हाय, मैं डॉक्टर सुशील कुमार एंड आज की इस वीडियो में मैं जो आपके साथ बात करूंगा दैट इज रिलेटेड टू द कॉपीराइट एंड लाइसेंस। और ये जो फोकस रहेगा ये रहेगा यूट्यूब के चैनल या उससे रिलेटेड वीडियोस पर। रिसेंटली एक वीडियो चैनल है धर्मेंद्र जी का, मोस्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल जो ओनर्स हैं दे आर अवेयर अबाउट टू हिम। तो उन्होंने रिसेंटली डिस्कस किया था अबाउट टू द कॉपीराइट एंड दिस सीसी बाई लाइसेंस। एक्चुअली यूट्यूब के अंदर दो टाइप के लाइसेंस होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है और दूसरा क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है। तो क्रिएटिव कॉमन को सीसी बाई लाइसेंस बोलते हैं। इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट टू द सीसी बाई लाइसेंस, तो जो क्रिएटिव कॉमन्स अगर आप लिखेंगे यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ से आप उस वेबसाइट को पकड़ पाएंगे और उस वेबसाइट के थ्रू आप जो है ये सीसी बाई लाइसेंस को पढ़ पाएंगे कि सीसी बाई लाइसेंस का मतलब क्या है। मैं इस वीडियो में आपके साथ में सीसी बाई लाइसेंस के आप क्या राइट मिलते हैं और बिफोर दैट कि आपको समझ आ जाए कि कॉपी राइट क्या है, जो इंडियन एक्ट है ऑफ 1957 का, उसका जो सेक्शन 14 है उस सेक्शन 14 के अंदर क्या लाज हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पार्ट रहेगा ये रिलेटेड टू द यूट्यूब चैनल या फिर जो यूट्यूब के वीडियोस हैं। तो धर्मेंद्र जी ने बताया कि भाई जो है आप किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो वीडियो है वो वीडियो ओरिजिनल हो। अगर आप सीसी बाई वीडियो को करेंगे तो हो सकता है कि वो किसी का ऑलरेडी जो है उसने मॉडिफाई किया हो इस लाइसेंस के साथ में। तो यहाँ ये थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट था, तो यहाँ जस्ट मैं इसको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ कि अगर आपको सीसी बाई लाइसेंस को, जिसको वहाँ पर लिखा है यूट्यूब चैनल में जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस इस तरीके से आप फाइंड करेंगे, तो जो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस है एक्चुअली वो यहाँ डिफाइन होता है सीसी बाई। और ये सीसी बाई का मतलब क्या है, सीसी बाई लाइसेंस एक्चुअली ये जितने भी ओपन एक्सेस आप कहें कि डिजिटल कंटेंट हैं, अगर वहाँ पर क्रिएटिव कॉमन आपका सीसी बाई लाइसेंस अवेलेबल है तो उस केस में क्या आपको राइट मिलते हैं। तो देखिए जो राइट मिलेंगे आपको वो क्या है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि लाइसेंस जो है वो क्रिएटिव कॉमन वेबसाइट है और ये मेंशन किया है क्रिएटिव कॉमन्स डॉट ओ आर जी। लाइसेंसेज को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का मतलब क्या होता है, राइट। तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आपको क्या राइट प्रोवाइड करता है, तो राइट हम लोगों को कहाँ डिफाइन है, वो कॉपीराइट एक्ट में डिफाइन है। तो पहले मैं आपको लाइसेंस बता रहा हूँ कि जो सीसी बाई लाइसेंस है वो आपको क्या राइट प्रोवाइड करता है, तो दिस लाइसेंस लेट्स अदर डिस्ट्रीब्यूट रीमिक्स एडेप्ट एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन कमर्शियली एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल क्रिएशन। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप किसी भी कंटेंट को, डिजिटल कंटेंट को सीसी बाई लाइसेंस के साथ में पब्लिश करते हैं तो आप रीडर्स को या किसी भी पर्सन को जो उसको यूज करना चाहे तो उस कंटेंट को किसी भी वे में मॉडिफाई करके यूज कर सकता है या उसके थ्रू कुछ और चीज डेवलप कर सकता है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, राइट। तो वो सभी चीजें और उस कंटेंट का इंफॉर्मेशन या उस कंटेंट को कमर्शियली भी यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ शर्त केवल एक ही है और वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि आपको उसको क्रेडिट देना होगा उस सोर्स को जो भी आप यूज कर रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आज की वीडियो जो है वो मैंने क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस के साथ पब्लिश की है, तो अब आपको क्या करना होगा, इस यूट्यूब का जो लिंक है या जो इसका यूट्यूबर है उसको मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आपने इस डेट में इस कंटेंट को आपने मॉडिफाई किया एंड यो आप जो है उसको एक्नोलेज करेंगे, एक तरीके से उसका आभार व्यक्त करेंगे। तो ये आप जब उसको क्रेडिट दे देंगे कि भाई ये आइडिया, ये कंटेंट और ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस वीडियो की, इनके चैनल की है और ये यहाँ से आज के दिन एक्सट्रैक्ट की और इतने टाइम पे एक्सट्रैक्ट की है,
तो मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, तो वो एक्नोलिजमेंट हुआ। तो उस तरीके से आपने अपने जहां पर भी उसको यूज करना है, जैसे अगर आप इस मेरी वीडियो को यूज करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप ये मेंशन कर देंगे कि भाई ये जो वीडियो है ये डॉक्टर सुशील कुमार जो मास्टर अपनी फिजिक्स या अपने physics.com है तो उनके वीडियो चैनल से ली है और इस दिन लिया था। तो मैं ऑब्वियस है कि जब मैं उसको पब्लिश कर दूंगा उसके बाद ही आप लेंगे। तो सीसी बाय लाइसेंस का मतलब ये है राइट कि आपको चोरी नहीं करना है, चोरी करना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप छिपा उस चीज को छिपा कर या चुपके से नहीं रख सकते, क्योंकि डिजिटल कंटेंट है। अगर आप कोई भी चीज चेंज करेंगे तो कोड उसका वही रहेगा राइट, तो उसमें आप ज्यादा फेरबदल नहीं कर सकते जो कोडिंग है किसी भी इस टाइप के जो डिजिटल कंटेंट है। तो वो डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन करिए जहां से भी आपने सोर्स लिया है, जिस टाइप का भी सोर्स लिया है उसको एक्नोलेज करिए, उसको थैंक यू बोलिए राइट। तो ये तो हुआ एक बार। दूसरी साइड, अब ये कितने टाइप के लाइसेंस हो सकते हैं? ओपन एक्सेस लाइसेंस, एक्चुअली जो ओपन एक्सेस आपका रिसोर्सिस है वो एजुकेशन के अंदर आ सकता है, रिसर्च के अंदर आ सकता है, म्यूजिक के अंदर आ सकता है, या दूसरे लिटरेरी वर्क हैं उनके अंदर आ सकता है। तो ये है आपके 5 to 6 टाइप के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है CC BY NC। तो जब आप CC BY NC करेंगे तो नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए, तो आप कंटेंट यूज कर सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन आप उसके से कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नॉन डेरिवेटिव मतलब ये हुआ कि आपका उसका कुछ कंटेंट आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं राइट, तो आप उसके जैसा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर सिमिलर अलाइक, अगर आप कोई भी कंटेंट या कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट या थिंग्स कुछ भी आप कहें, अगर किसी एक ऐसे लाइसेंस के थ्रू एक्वायर करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं जहां पर ये लिखा हो CC BY SA, तो आपको अपना जो कंटेंट होगा अब वो उसी ही लाइसेंस के साथ पब्लिश करना पड़ेगा जैसा कि आपने पढ़ा राइट, CC BY SA। और इसके नेक्स्ट जो आएगा कॉम्बिनेशन CC BY NC SA, नॉन कमर्शियल भी है और सिमिलर लाइक भी है। फिर नेक्स्ट जो लाइसेंस आया वो नॉन डेरिवेटिव। तो अगर आप इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव कॉमन्स की जो वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। और सीसी बाय लाइसेंस जो है वो ओपन रिसोर्सिस के लिए है, तो जो ओपन एक्सेस हो सकते हैं, जहां कहीं पैसा ना देना पड़ता हो, जहां कंटेंट पर इंफॉर्मेशन पर किसी भी तरीके की कोई पाबंदी ना हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, तो उसके लिए सीसी बाय लाइसेंस हम लोग यूज करते हैं। और ये जनरली ओपन एक्सेस जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं, जिस पॉइंट से आपको लाइसेंस को डिफाइन किया है उसी वे में आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा इंडियन जो कॉपीराइट एक्ट है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के अकॉर्डिंग जो उसका सेक्शन 14 है उसका मीनिंग क्या डिफाइन करते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट कॉपीराइट मींस एक्सक्लूसिव राइट जो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट to do or authorize the doing of any of the following acts। और वो following acts क्या है? तो एक तो आपका literary work हुआ, जैसे पढ़ने पढ़ाने का काम है, research का काम है, या कोई dramatic काम हुआ, या movie हुई, right? तो उस तरीके के, या फिर कोई musical work हुआ है। तो यहाँ copyright act 1957 implement होता है, और copyright 1957 act जिस आदमी ने उस कंटेंट को क्रिएट किया है उसको कुछ राइट प्रोवाइड करता है कि उसके ये राइट है राइट। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले क्या राइट है कि टू रिप्रोड्यूस द वर्क इन एनी मटेरियल फॉर्म इंक्लूडिंग द स्टोरिंग ऑफ इट इन एनी मीडियम बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो उसके राइट ये है कि वो अपने काम को रिप्रोड्यूस कर सकता है, और चाहे तो उसकी किसी भी दूसरे माध्यम के, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू उसकी कोई स्टोरी बनाए या कुछ भी करे। टू इशू कॉपीज ऑफ द वर्क, जैसे हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं किसी भी बुक की तो वो अलाउड नहीं है, उसी तरीके से यहाँ 1957 जो ये एक्ट है
उसमें जो कॉपी है वो अलाउड है, राइट टू इशू कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक नॉट बीइंग कॉपीज ऑलरेडी इन सर्कुलेशन, टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और कम्युनिकेट इट टू द पब्लिक। तो कोई भी ऐसा काम वो आप ओपनली आप पब्लिक के साथ कर सकते हैं या कहीं किसी वेबसाइट पर रख सकते हैं, तो वो सब चीज है टू परफॉर्म द वर्क इन पब्लिक और या उसके थ्रू कम्युनिकेट करना है। टू मेक एनी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्क, आपका कोई लिटरेरी वर्क है, आपने कोई स्टोरी लिखी है, तो उस स्टोरी के बेस पर आप कोई मूवी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसकी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रही कॉपीराइट एक्ट का भी आपको पता लगा, तो ये ही राइट्स वहां पे आपने लाइसेंस के अंदर देखा था। अब ये राइट अगर आप किसी को दे देते हैं, आपने सेल कर दिया या किसी दूसरे वे में उसको ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये राइट आपके नहीं होंगे, तो ये उस थर्ड पार्टी के होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो अब यहाँ YouTube पर जो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड YouTube लाइसेंस फॉलो करते हैं, तो उसमें YouTube ने अपने लाइसेंस को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन जब आप क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस डिफाइन करते हैं तो वो कंटेंट आपका एज ए ओपन रिसोर्स यूज होगा। अगर वो सीसी बाई लाइसेंस के साथ पब्लिश हुआ है तो कोई भी पर्सन उसको एज इट इज या उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ एक ही होगी, और वो कंडीशन क्या है कि आपको उसका रेफरेंस देना होगा कि आपने ये कंटेंट यहाँ से लिया है, एंड दैट इज द पॉइंट। और यही सब कुछ धर्मेंद्र जी वहां अपनी जो वीडियो थी उस यूट्यूब चैनल पर जो उनका माई स्मार्ट सपोर्ट है वहां पर वो डिफाइन कर रहे थे। तो आई हैव लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम हिम, एंड टेक्निकली जो यूट्यूब है या फिर वेबसाइट है, तो स्टार्टिंग में वहां से उनसे कुछ सीखा हुआ है। तो यहाँ इस यूट्यूब वीडियो के अंदर मैंने आपको जो बताया लाइसेंस क्या है और जो राइट्स क्या है, फिर उनको कॉपीराइट एक्ट में कैसे डिफाइन करते हैं, और यही राइट अगर कोई आपसे परचेज कर ले तो उसके पास चले जाएंगे आपके कॉपीराइट्स, राइट। तो ये हुआ इसकी बात। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, आई होप कि आपको कुछ आइडिया हुआ होगा, और इस आइडिया को यूज करके आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ में, राइट, तो विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तो जो नॉलेज वर्ल्ड है उसको हम लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, और नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, सो हम लोगों ने वो रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए है बाय यूजिंग दी सीसी बाय लाइसेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू जस्ट कमेंट बिलो इन टू द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू वंस अगेन।